नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज कुछ आगे बढ़ी। जी, कल हमने नटवर सिंह के इंटरव्यू से दस्तक दी थी, आज ये बात आगे बढ़ी। बात इस मामले को लेकर आगे बढ़ी कि संसद भवन में कई रास्ते हैं, कई दरवाजे हैं। 7 नंबर के दरवाजे से सोनिया गांधी निकली, 10 नंबर के दरवाजे से मनमोहन सिंह निकले। पत्रकारों ने घेरा, सोनिया गांधी से पूछा क्या जवाब है आपके पास। उन्होंने कहा मैं भी किताब लिखूंगी। मनमोहन सिंह से पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं, कोई फाइल नहीं जाती सोनिया गांधी के पास। तो क्या एक किताब पर ऐसे 2 बयान भारी पड़ सकते हैं, या मौजूदा वक्त में जो साख कांग्रेस की घटी है और घटते घटते इस दौर में जाकर पहुंच गई कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा लगने लगा कि ऑरा गांधी परिवार का खत्म हो चला है, तो ऐसे में एक किताब पूरे ऑरे पर भारी पड़ गई है। यकीनन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके आगे का रास्ता अब कांग्रेस को खोजना है, गांधी परिवार को खोजना है। तो आइए इस रास्ते की तलाश में कुछ बात आज रखी जाए, क्योंकि ये अंदर की बात है। ये यकीनन अंदर की बात है, क्योंकि लगातार कोई शख्स 50 बरस तक गांधी परिवार के साथ संबंध संपर्क बनाए रखते रहता है, उसके बाद एक किताब सामने आती है और किताब में उन बातों का जिक्र होता है जिस जिक्र की जानकारी आम लोग तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस की कई कोटरी को भी पता नहीं होता है। मसलन जिक्र कहाँ से शुरू हुआ? जिक्र शुरू होता है सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उस वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था। तो आइए, जिस किताब में जो जिक्र किया गया है, ये 4 शख्स ही उस कमरे में मौजूद थे। नटवर सिंह की किताब है और नटवर सिंह का कहना है कुछ इसी तरीके से सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, राहुल गांधी बैठे हुए थे और मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे। और उस वक्त इसका मतलब है कि इस कमरे में बात जो आप सामने रखेंगे, मनमोहन सिंह जी को बताना चाहिए आज की तारीख में जब उनसे प्रतिक्रिया पूछी गई कि वो बात सही थी या नहीं थी। उन्होंने खामोशी बरती, सोनिया ने कह दिया मैं किताब लिखूंगी, नटवर जी की किताब आ चुकी है। इसका एक दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये चर्चा चल रही थी और वो कौन सा मौका था, राहुल गांधी सीट से खड़े हुए और तब उन्होंने कहा आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है और 24 घंटे के भीतर आप बताइए कि प्रधानमंत्री आप नहीं बन रही हैं, नहीं तो मैं कोई अल्टीमेट कदम उठा लूंगा, इसका जिक्र है। हंगामा यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी भावनात्मक बात थी जिसके बाद सोनिया गांधी ने सांसदों को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि मैं आत्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री नहीं बन रही हूं, और इस त्याग और बलिदान को राजनीतिक तौर पर डालते हुए कांग्रेस ने बीते 10 बरस में सोनिया गांधी को तमाम नेताओं से हटकर खड़ा कर दिया, ये एक सच है। लेकिन सवाल है, ये सारी स्थितियों के बाद अब कांग्रेस के सामने रास्ता क्या है, गांधी परिवार के सामने रास्ता क्या है, क्योंकि किताब से बात तो बनेगी नहीं जो उसका जिक्र सोनिया गांधी कर रही है। मनमोहन सिंह भी जो जिक्र कर रहे हैं, कोई फाइल नहीं जाती थी, बात उससे भी नहीं बनेगी। रास्ता राजनीतिक तौर पर क्या निकाला जाए ऐसे वक्त में जब एक खांटी कांग्रेसी ने उंगली उठाई है। खांटी कांग्रेसी नटवर सिंह ने कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार के उस मर्म पर हमला किया है जहां से खड़े होने के लिए गांधी परिवार को ही अब व्यूह रचना करनी होगी। छाती पर शहीदी तमगा और विचार के तौर पर त्याग का मुकुट लगाकर ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस को खड़ा किया, सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन नटवर सिंह ने जिस तरह राजीव गांधी की हत्या के साथ श्रीलंका को लेकर राजीव गांधी की फेल डिप्लोमेसी और सोनिया गांधी के त्याग के पीछे बेटे राहुल गांधी के मौत के खौफ के होने की बात कही, उसने गांधी परिवार के उस ऑरे को ही खत्म किया है जिसके आश्रय कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही। और कांग्रेस की उस राजनीति में भी अब सेंध लग गई है जो बीते 10 बरस से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तुलना में सोनिया गांधी को अलग खड़ा करती रही। तो फिर कांग्रेस के सामने अब राजनीतिक रास्ता है क्या? गांधी परिवार का ऑरा लौटेगा कैसे? सोनिया की राजनीतिक साख दोबारा बनेगी कैसे? जाहिर है कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि कटघरे में खड़े करने वाला शख्स मौजूदा कांग्रेसियों की तुलना में सबसे पुराना कांग्रेसी है और गांधी परिवार से उसके ताल्लुकात सोनिया गांधी से भी पुराने हैं। यानी सोनिया ने जो आज जिक्र किया कि अब वह भी किताब लिखकर जवाब देंगी, तो बात तो उससे बनेगी नहीं। और सोनिया गांधी जो भी किताब लिख ले, कांग्रेस को उससे राजनीतिक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी की राजनीतिक साख यहां खत्म होती है और अब कांग्रेस को तुर्प का पत्ता प्रियंका गांधी को चलने का वक्त आ गया है, या फिर राहुल गांधी को अब कहीं ज्यादा परिपक्व तरीके से सामने आकर उस राजनीतिक लकीर को आगे बढ़ाना होगा
जहां उनके कहने पर सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी और राहुल के खौफ को अपनी आत्मा की आवाज के आश्रय सोनिया गांधी ने त्याग की परिभाषा में कर दिया। दरअसल ये हालात अगर राहुल गांधी बदल दें तो फिर कांग्रेस के लिए नटवर का कटघरा संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि गांधी परिवार ने अगर पहली बार सत्ता नहीं संभालने के खौफ को त्याग और बलिदान से जोड़ा तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा दाग पर्दे के पीछे से सत्ता की ताकत अपने हाथ में रखने का भी सामने आया है। यानी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी को अब यह समझ में आ गया होगा कि किचन कैबिनेट तो इंदिरा गांधी की भी थी, निजी कोठरी राजीव गांधी की भी थी और नेहरू भी कश्मीर, चीन और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट तक नहीं पहुंचे, बल्कि अपने खास भरोसे वाले लोगों पर ही भरोसा कर चले और निर्णय भी ले लिया। लेकिन सभी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली यानी जिम्मेदारी सीधे ली, तो फिर अब कांग्रेस को खड़ा करने के लिए सोनिया पर दागे गए नटवर के वार को ही हथियार बनाकर गांधी परिवार अपनी साख और कांग्रेस को खड़ा क्यों नहीं कर सकते? जाहिर है यह मंथन 24 अकबर रोड तो नहीं लेकिन 10 जनपद में जरूर चल रहा होगा। ये ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस को परेशान भी कर रहे होंगे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बार बार 10 जनपद की तरफ दोबारा देखने की स्थिति में भी खड़ी कर रहे होंगे। लेकिन सवाल है कि एक खांटी कांग्रेसी और आज से नहीं बल्कि 50 के दशक से नेहरू के साथ, फिर इंदिरा गांधी के दौर में राजनीति में आने की ख्वाहिश, राजीव गांधी के साथ चुनाव लड़ना, मंत्री बनना, और ये भी बड़ा शानदार जिक्र है इस किताब में कि बाकायदा अशोका होटल में बैठकर सुनील दत्त के साथ भोजन कर रहे थे दोपहर का नटवर सिंह जी। उस समय फोन आया राजीव गांधी का और अशोका होटल के मैनेजर उनके पास गया कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। जब ये पहुंचे तो उधर से आया कि आप शाम के 5 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइएगा। ये समझ गए कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं। ये अलग मसला, उस समय स्टील मंत्रालय ने दिया गया था। लेकिन ये एक सीधा संवाद गांधी परिवार का कैसे रहा उस शख्स के साथ और अब सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने लिखा है, तो आखिर क्यों लिखा है? हम इस रिपोर्ट पर आए उससे पहले, किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। एक तरफ तो दावा करते हैं कि वो बहुत करीब थे, उनके विश्वास पात्र थे, दूसरी तरफ इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं, तो अब लोग खुद अपना मन बनाएंगे कि ऐसे आदमी पर कितना विश्वास। जो भी जिस रूप में कह ले अपनी बात, लेकिन एक सच है, 1996 में सोनिया गांधी ने नटवर सिंह से संपर्क साधा और कहा राजनीति में कैसे वापसी होगी जब पीवी नरसिम्हा राव का वक्त दौर खत्म हो गया था। उसके बाद सरकार जो 13 दिन की वाजपेयी की, फिर गठबंधन का दौर, किसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, अलग अलग सुझाव लेकर बात होती रहती थी। जयराम रमेश हिंदी सिखाने में लगे, दोहे बताते थे कबीर के, और जिस तरीके से उन दोहों को याद करके उसके ज़रिए हिंदी, ये सारी प्रक्रिया थी। एक सवाल हर जहन में होगा कि सोनिया गांधी को लेकर नटवर सिंह के जहन में ऐसा क्या कुछ रहा और किन किन स्थितियों में उन्होंने सोनिया गांधी को देखा जो किताब में जिक्र है। आइए जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझें कि सोनिया गांधी और नटवर सिंह की करीबी या अब की दूरी का मतलब उस आईने में क्या है जहां से सोनिया गांधी भारत में कदम रखती है। नटवर सिंह आज की तारीख में सोनिया गांधी से चाहे जितने दूर चले गए हों लेकिन कभी उतने ही पास भी थे। सच तो यह है कि इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के साथ राजीव गांधी की शादी की सबसे पहले जानकारी नवंबर 1967 में जिन्हें दी, उसमें परिवार से बाहर नटवर सिंह अकेले शख्स थे। ना सिर्फ इंदिरा बल्कि नेहरू और राजीव गांधी के साथ भी जो करीबी नटवर सिंह की रही, उसका कच्चा चिट्ठा लिखते हुए नटवर सिंह ने जब सोनिया गांधी को अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में परखा तो फिर उस मुकाम पर वह ले गए जहां पर सोनिया गांधी खामोश रह नहीं सकती, क्योंकि सोनिया गांधी की समूची सियासी साख पर ही नटवर सिंह की कलम ने उंगली रख दी है। असल में सोनिया के जीवन को नटवर सिंह ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला फेज 25 फरवरी 1968 से शुरू होता है जब राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी की शादी होती है। वो दौर बेफिक्री का था, दुनिया में एक अलग और ताकतवर पहचान बनाने का था, जिंदगी में सारे सुकून का एहसास करने का था। लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी की जिंदगी बदलती है। 31 अक्टूबर 1984 के बाद से सोनिया की जिंदगी एकदम बदल गई जब गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी को आर के धवन के साथ सोनिया गांधी ही कार से एम्स ले जाती है। सोनिया गांधी के कपड़े खून से तरबतर हो जाते हैं
और उन्हें उस वक्त एहसास होता है कि सियासी खून का मतलब होता क्या है। इसीलिए जैसे ही राजीव गांधी के पीएम बनने की बात होती है, वैसे ही सोनिया गांधी ये कहने से नहीं चूकती, अगर आप प्रधानमंत्री बने तो मारे जाएंगे। और राजीव गांधी ये कहकर पीएम बनते हैं, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। तो 1984 से 1991 तक सोनिया गांधी के इस जीवन में तीसरा बदलाव राजीव गांधी की हत्या के बाद से शुरू होता है। मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी खुद को एकदम अकेला पाती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर की कश्मकश कहिए या फिर कांग्रेस का मतलब ही गांधी परिवार, राजीव गांधी के बाद कौन वाली परिस्थितियों में सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस के बीच में आकर खड़ी हो ही जाती है। और नटवर सिंह की किताब की माने तो नटवर सिंह से ही वो सलाह लेती हैं कि फिर राजीव गांधी के बाद कौन, और नटवर सिंह इंदिरा गांधी के करीबी पीएन हक्सर से सलाह लेने का सुझाव देते हैं। हक्सर उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम सामने रखते हैं और शंकर दयाल शर्मा से जब पीएन हक्सर और गोपी अरोड़ा पूछने जाते हैं तो फिर वह उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं और उम्र और तबीयत का तकाजा देकर कहते हैं पीएम का पद फुल टाइम जॉब है जिसे वो संभाल नहीं पाएंगे। और उसके बाद पीएन हक्सर अगला नाम पीवी नरसिम्हा राव कर रखते हैं। यानी सोनिया की खामोश राजनीति भी कांग्रेस के लिए मायने रखती है। लेकिन यह खामोशी 1998 में टूटती है तो फिर नटवर सिंह की कलम सोनिया गांधी को एक नए हालात में खड़ा भी देखती है। 14 मार्च 1998 को दिल्ली के श्री फोर्ट में सोनिया गांधी बेटी प्रियंका गांधी के साथ राजनीति में कूदने के लिए पहुंचती है और नटवर सिंह को कहती है वो उनके बगल में बैठे। साथ में उस वक्त जयराम रमेश भी मौजूद थे क्योंकि वही सोनिया गांधी का भाषण हिंदी में उस वक्त तैयार कर रहे थे। श्री फोर्ट में सोनिया सोनिया गांधी के नारे लगने लगते हैं। यह सोचकर कांग्रेस के भीतर उल्लास भर जाता है कि कांग्रेस जल्द ही सत्ता में लौटेगी। कांग्रेस यकीनन 2004 में सत्ता में लौटती भी है, लेकिन सत्ता में लौटने के बाद भी सोनिया गांधी पीएम बनने से इनकार कर देती है। तो इनकार गांधी परिवार की सियासी राजनीति को उड़ान दे देता है। ध्यान दे तो नटवर सिंह की कलम से निकली वन लाइफ इज नॉट एनफ 2004 के बाद से सोनिया गांधी को उस पांचवें शेड में या कहें राजनीति के कैसे कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है जहां से गांधी परिवार की साख खत्म दिखाई दे। और आखिरी सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि अब कांग्रेस का क्या होगा जिसके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। मसला ये नहीं है कि एक किताब किसी राजनीतिक दल की साख खत्म कर दे या उसकी राजनीतिक दौड़ को ही रोक दे। सवाल सिर्फ इतना है कि कोई पार्टी अगर एक परिवार पर टिकी हो और परिवार में एक शख्स की मौजूदगी पूरी पार्टी के भीतर एक ऐसी धार पैदा करती हो जिसके जरिए वो सत्ता तक पहुंच सकती है और उस धार को ही जब कुंद बता दिया जाए तो क्या होगा, ये सारे सवाल अनसुलझे हैं। बहरहाल लेकिन मौजूदा वक्त में सत्ता में कांग्रेस नहीं है, एनडीए है, बीजेपी है। तो आइए अंदर की बात को जरा सा आगे ले जाते हैं क्योंकि जॉन कैरी पहुंचे हैं भारत। अहम क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे, इसका जिक्र आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बातचीत में हुआ है। सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात है, आतंक के मुद्दे पर बात है और दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक, इस पर बात है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कितनी असीम संभावनाएं हैं, इस पर बात की गई। ये सारी स्थिति बताती है कि 30 सितंबर को जब मुलाकात होगी वाशिंगटन डीसी में बराक ओबामा के साथ तो ये सारे मुद्दे वहां पर आएंगे सामने। और ये सारे मुद्दों के आसरे कहीं ना कहीं बार बार वो झांकने की स्थिति मजबूर करती है जिसका जिक्र किया गया है नटवर सिंह की किताब में कि दरअसल अमेरिका चाहे किसी भी देश को डिगा सकता है अगर वो उसके अनुकूल नहीं है तो। लेकिन दूसरा हिस्सा यह भी है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी क्यों बैग बैगेज के साथ नहीं जा रहे हैं, खुले हिसाब से जा रहे हैं, फैसला करना है। शायद इसीलिए आज जब ये सवाल जासूसी का उठा तो जॉन कैरी ने कहा हम मित्र देश हैं, एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज का जवाब था भारत की चिंता जायज है, हम इंटेलिजेंस जुड़ी बातों की चर्चा बाहर नहीं करते, ओबामा इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। ये पत्रकारों के सवाल थे जो कि जासूसी के मद्देनजर थे, जो कि नितिन गडकरी के घर बगिंग की बात हुई थी उसके मद्देनजर थे। इसका जवाब सुषमा स्वराज ने आज पत्रकारों को दिया भी। मैंने बिल्कुल ये इशू रेज किया सेक्रेटरी कैरी के साथ और मैंने उन्हें यह भी बताया कि जब ये खबर भारत के अखबारों में छपी थी
तो भारत के लोगों में बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने अपना रोष व्यक्त भी किया था। मैं उसी रोष से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। और मैंने ये भी कहा उन्हें कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। सवाल ये नहीं था, सवाल यह है कि अमेरिका क्या सोचता है। और देखिए, अमेरिका सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए आज दिल्ली में भी उसी बोली को बोल रहा था जिसका जिक्र करके जॉन केरी अमेरिका से निकले थे। I think we share a clear understanding of where we can begin. The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. सवाल है सियासत किस लिए हो रही है, किताबें किस लिए लिखी जा रही हैं, दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर देशों के साथ समझौते की दिशा में कदम क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि इस दौर में देश के भीतर की हालात कैसी है। जी, जमीनी हालात दो ऐसी जगह, एक तरफ महाराष्ट्र का पुणे का इलाका और दूसरी तरफ उत्तराखंड का टिहरी का इलाका, दो जगहों पर मौत कब कैसे किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, और यह सब कुछ बीते 48 घंटों में हुआ है। मौत कब कैसे आ जाए इसकी गवाह यह दो तस्वीरें हैं। पुणे में पहाड़ी के नीचे मलबे में दबी कल तक की आबाद बस्ती की सांसों को आज भी खोजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टिहरी का एक सोता हुआ गांव मौत के मुंह में कुछ इस तरीके से समा गया जैसे लगा उसके लिए सब कुछ ख्वाब है, लेकिन सच यह है गांव का गांव दफन होने की स्थिति में है। दरअसल कल रात तकरीबन 2:30 बजे जनख्याली गांव पर बादल फटा और 7-8 गांव भारी बोल्डरों वाले मलबे में बह गए। सच यह है कि चारों ओर फैले इस मलबे के नीचे कभी एक खुशहाल गांव हुआ करता था, जिसे कुदरत के कहर ने कुछ यूं रौन दिया कि गांव मरघट में बदल गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में मारे गए मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कल्पना कीजिए, तड़के 3 से 4 बजे के बीच टिहरी जिले के ब्लॉक घनसाली के नेलम चामी पट्टी के जनख्याली गांव में जबरदस्त बारिश के बाद बादल फटा। वक्त देर रात का था, हर कोई अपने घर में सो रहा था, इसीलिए हादसे में ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस मलबे में दबने से कुल 6 लोगों की मौत हुई और घटना की सूचना एनडीआरएफ की टीम को सुबह 4 बजे मिली और इसके बाद 6 बजे तक टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ जो अब भी जारी है। वहीं यह दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है। मलबे से कब्र में तब्दील हो गए मालिन गांव की यह तस्वीर है। गुरुवार को दिन भर मालिन गांव की धरती पर मशीनों और मातम का शोर ही रहा। मौत के सदमे से दहले गांव में मलबे से लाशें निकलती रही। जिनकी आंखों के सामने सब कुछ पल भर में तबाह हो गया वो सब खामोश खड़े देखते रहे। अब आलम यह है कि दूर दराज से गांव वालों के रिश्तेदार अपनों की तलाश में यहां पहुंच रहे हैं। जिस परिवार में पीढ़ियों से लोग सैनिक रहे हों, उस परिवार का एक शख्स अगर जनरल बन जाए तो उत्साह क्या होती है। जी, बात जनरल सुहाग की ही हो रही है और ये खुशी आज जनरल सुहाग के पिताजी के जरिए कहीं ना कहीं सामने आ गई। आर्मी क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आर्मी में, यानी कि जो उनकी चॉइस थी कि हम आर्मी में जाएं और देश की सेवा करें, तो इसलिए आर्मी में जाने की हमारी ख्वाहिश थी। क्यों मैं भी आर्मी में था, मेरे दादा परदादा भी आर्मी में थे। बहुत खुशी महसूस हो रही, क्योंकि बहुत घमंड की बात है कि एक बच्चा जो है ऊपर तक जाता है, तो बहुत खुशी की बात। जी, ये है भरोसा, लेकिन दूसरी तरफ एक किताब आई तो उसने भरोसा तो तोड़ा है। एक बात तो है, एक ऐसा भरोसा टूटा है इस किताब के जरिए उस परिवार का, जिस परिवार के भीतर ये बात हो सकती थी कि शायद परिवार के भीतर अगर आप जुड़े हैं तो आप विश्वास पात्र हैं। लेकिन चलिए, चलते चलते आज मोहम्मद रफी को याद करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए। मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुम मुझे।